हेलो मरहबा, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं जी आप सभी लोग? उम्मीद करती हूँ कि बहुत ही अच्छे होंगे, इंशाल्लाह खैरियत से होंगे। तो जी खैर, बस यहाँ पर ब्लॉग तो मेरा रेडी था बट लेट इस वजह से हो गया था थोड़ा, कि मेरी दादी की तबीयत ठीक नहीं थी, कुछ क्रिटिकल कंडीशन थी और वो आईसीयू में एडमिट थी, तो उसकी टेंशन वगैरह बहुत ज़्यादा थी। और ऐसी सिचुएशन में बिल्कुल भी मतलब दिमाग काम करना बंद कर देता है बिल्कुल। मतलब घर में भी हम लोग इतनी दूर हैं, वो लोग दिल्ली में हैं, हम लोग बेंगलोर में हैं, तो एकदम से ऐसा कुछ सुन लें। और माशाल्लाह एज भी उनकी 80+ है कुछ, माशाल्लाह अल्लाह ताला उनको और लंबी उम्र, ज़िंदगी, सेहत सब कुछ दें। और बस कुछ नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब ठीक हैं, स्टेबल हैं। मम्मी पापा भाई चले गए थे फ़ौरन से ही, पहले तो पापा का करा दिया था कि पापा ही जाएंगे सिर्फ, बस बाद में जब पता चला कि बहुत ही ज़्यादा सीरियस कंडीशन है तो फिर भाई ने एक बार भी नहीं सोचा, उसने कहा कि नहीं चलो सभी चलते हैं। और मैं बच्चों की वजह से नहीं जा पाई क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा ठंड है और फिर बच्चों को लेके जाना, और हानिया ने तो जो हाल करा था, इसको कोल्ड हो रहा है और कहीं वहाँ पर जाके बिल्कुल पलट ना जाए, तो इस वजह से थोड़ी सी मैं वो हो गई थी, मम्मी ने मना कर दिया था। तो जी खैर, ये मेरी रेसिपी तो पुरानी हो गई है, कुछ एक हफ़्ता पहले मैंने ये बनाई थी, बट मैं आपको फिर भी इसकी रेसिपी बता देती हूँ। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चिकन रोल। अच्छा, तो ये 1/2 kg था, उस हिसाब से मैंने 2 teaspoon तो उसके अंदर नमक के ले लिए, सॉरी लाल मिर्च के ले लिए थे। नमक मैंने अकॉर्डिंग टू टेस्ट डाला था, बट फिर भी होता है ना, किसी किन्हीं लोगों को मतलब क्या होता है ना, अंदाज़ा नहीं होता, तो वो लोग कहते हैं कि अकॉर्डिंग टू टेस्ट कितना होता है आप वो भी बताया कीजिए। तो आप अगर 1/2 kg है तो आप 1/2 teaspoon ले लीजिए नमक का, और फिर बस मैंने उसके अंदर 1/2 teaspoon ही मैंने ब्लैक पेपर डाला था और 1/2 teaspoon ही मैंने चाट मसाला डाला था। और जी उसके बाद मैंने डाल दिया था सोया सॉस जो कि थी 1 tablespoon, और उसके बाद ये है मेरे पास शिजवान सॉस। आप चाहें तो उसके अंदर केचप भी डाल सकते हैं, मतलब कुछ इस टाइप की जो चाइनीज़ सॉस होती है ना, आप कुछ भी डाल सकते हैं, क्योंकि जो इसका टेस्ट होता है थोड़ा सा स्वीटेंस और वैसा टैंगी टेस्ट होना चाहिए। और जी लास्ट में मैंने इसके अंदर डाल दिया था 1 tablespoon जिंजर गार्लिक पेस्ट, और सबको मैंने अच्छे से मिक्स कर दिया था। ये मुझे, मैं क्या होता है ना कि कोई भी मैं चिकन बनाऊँ उसको मैं मैरिनेट ज़रूर करती हूँ ताकि वो चिकन ना अंदर तक ले ले, तो मुझे बहुत ही अच्छा लगता है जब मैं मैरिनेट करके रख देती हूँ। और अगर आप जल्दी जल्दी कुछ पका रहे हैं, जल्दी से इस तरह कर रहे हैं, तो थोड़ा सा फ़र्क आ जाता है टेस्ट में। बाकी आप कोई भी चिकन बना रहे हैं, कुछ भी मतलब कोरमा बनाएं आप या कोई बटर चिकन बनाएं, बिरयानी बनाएं, तो आप चिकन को अगर पहले मैरिनेट कर लेंगे ना तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। तो जी कम से कम मैं 15 मिनट तो मतलब उसको मैरिनेट करके रख ही देती हूँ मिनिमम। और जी बस यहाँ पर अब मैं कर रही हूँ उसकी तैयारी, जो कि फिलिंग होगी हमारे रोल की, चिकन रोल की। और यहाँ पर मैंने 2 बड़े प्याज ले लिए थे स्लाइस में, उसको कट कर लिया था। ऑयल के अंदर मैं इसको सॉटे करूँगी, ब्राउन बिल्कुल भी नहीं करना है आपको, मतलब ज़्यादा कलर चेंज नहीं करना है, सिर्फ ऐसा हो कि ये थोड़ी नरम हो जाए। और जी 5-10 मिनट सॉटे करने के बाद मैंने यहाँ पर डाल दिया है अपना मैरिनेटेड चिकन, जो कि चंक्स हैं बोनलेस चिकन के। और यहाँ पर बस मैं इसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी, और जब हमारा चिकन का कलर थोड़ा सा चेंज हो जाएगा ना, तो आप उसको हल्का सा पानी डाल दीजिए ताकि जो हमारा चिकन है ना वो गल जाए, और फिर आप उसको ढक दीजिए तो आपका चिकन पक जाएगा। और जी यहाँ पर मैंने ले लिया है तवा, और मैंने क्या किया था कि पहला रोल बन चुका था और मैंने कैमरा ही ऑन नहीं करा, और मैं बाद में देख रही हूँ, तो मैंने सोचा चलो ठीक है कोई बात नहीं, अब कैमरा ऑन कर देती हूँ, वरना कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि पूरा ही एक प्रोसेस निकल जाता है, उसके बाद मुझे याद आता है कि हाँ अच्छा मैंने कैमरा ऑन नहीं करा, फिर तो कुछ हो ही नहीं सकता, तो वो फिर स्किप करना पड़ता है। बट यहाँ पर ये रोल थे और वो स्टार्टिंग में ही मैंने देख लिया, तो इस वजह से मेरा बच गया। तो यहाँ पर मैंने मैदे का नॉर्मल आटा गूंद लिया था, और उसकी बस मुझे नॉर्मल से ही रोटी बनानी थी, जैसे पराठा होता है ना वैसा बनाना था। तो बस यहाँ पर मैं रोटी बना लूँगी और उसके अंदर जो हमारा चिकन है उसकी फिलिंग कर दूँगी। आप चाहें तो उसके अंदर अपनी पसंद की वेजेस डाल सकते हैं, इस बार मैंने मेयोनीज नहीं डाली थी, बस मैंने एग वाली रोटी बना के उसमें मैंने चिकन का जो स्टफिंग था वो डाल दिया था, और सिर्फ अनियन डाल के मैंने सर्व कर दिया था। और ये तो मतलब क्या था ना, बड़ों के लिए था, बाकी मैंने बच्चों के लिए ऐसी ही पॉकेट्स बना दी थी, क्योंकि जो स्टफिंग होती है ना वो निकल जाती है, आधी नीचे गिरती है, तो मैंने सिर्फ एक रोटी बना के उसको हाफ कर लिया मून शेप
प्लेट में कर लिया और फिर हाफ में रख के उसको दोबारा से मैंने ट्रायंगल शेप जो हाफ होता है ना उसको मैंने पलट दिया, मतलब आप देख रहे होंगे समझ गए होंगे, जो एक गोल रोटी होती है उसको आधा कर दिया, मैं दिखाऊंगी आपको किस तरह, इस तरह आधा कर दिया, फिर मैंने स्टफिंग रखी और उसको पलट दिया। तो इस तरह ये एक हमारी चिकन पॉकेट बन गई है, हम इसे कुछ भी नाम दे देना अपनी तरफ से, होती एक ही चीज़ है और 10 नाम बन जाते हैं उसको, जो जिस तरीके से बनाते हैं ना उस तरीके से अपना नाम दे देता है। तो मेरे हिसाब से ये चिकन पॉकेट्स हो गए, वो मेरा चिकन रोल हो गए थे और इसको भी मैंने अच्छे से सेक लिया था, बच्चों को दे दिया था। तो नॉर्मल रोल से बच्चों को चिकन पॉकेट्स बोलना तो बहुत ही अच्छा लग रहा था, साथ में मैंने सॉस उनको सर्व कर दी थी तो बड़े खुश हो गए, अरे वाह मम्मा आज आपने चिकन पॉकेट बनाया है। तो इस तरह हो जाता है थोड़ा ना, सेम ही चीज़ मैंने पहले भी अपने ब्लॉग में बोला कि चीज़ें सेम होती हैं उनको डिफरेंट शक्ल दे दो ना बच्चे खुश हो जाते हैं। तो जी खैर बस यहाँ पर मेरे चिकन पॉकेट्स और हमारा रोल बन के रेडी हो गया था और मैंने सर्व कर दिया था। तो जी वो स्नैक्स हो गया था जो शाम के टाइम में था और ये रात को मैं बना रही थी फ्राइड राइस, और उसके बाद सेम वाला जो मेरा चिकन का था मैंने बनाया था फिलिंग, उसके अंदर मैंने एक्स्ट्रा वेजीज को ऐड कर दिया था, कैरेट कैबेज और कैप्सिकम वगैरह मैंने ऐड कर दी थी, और इसका मैं बना रही हूँ स्प्रिंग रोल। तो क्या होता है ना कि आपका जो मैरिनेशन चिकन स्टफिंग होती है वो सेम ही होती है और बस आप उसके अंदर डिफरेंट आइटम डालते जाइए, इसी के मैं मोमोज भी बना सकती थी, जो कैबेज से उसको और चॉप कर देती बारीक और मैं उसके मोमोज भी बना सकती थी, बट इतना टाइम नहीं था और हिम्मत भी नहीं थी कि मैं मोमोज बनाऊँ, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा मतलब काम हो रहा था, क्योंकि पहले मैंने रोल बनाया क्योंकि बच्चों को भूख लग गई थी 7 बजे के करीब, और फिर खाना वगैरह जो डिनर होता है वो 9-9:30 बजे के करीब होता है, तो पहले हम लोगों ने वो खा लिया था, बाद में ये मैंने बना लिए थे स्प्रिंग रोल। इसको मैं लास्ट में कट करूंगी जब सर्व करूंगी, क्योंकि एक बार हमें और निकालना है, फ्राई करना है, क्योंकि ठंडे हो जाएंगे ना रखे रखे और ये अच्छे लगते हैं क्रिस्पी हैंड टू हैंड फ्राई हुए हुए। तो बस यहाँ पर अब मैं बना रही हूँ फ्राइड राइस, बिल्कुल नॉर्मल से फ्राइड राइस बना रही हूँ जैसे बनते हैं। और जी मैंने ये ऑयल ले लिया है, इस बार मैं ऑयल यूज़ कर रही हूँ पीनट ऑयल, तो थोड़ी सी उसमें मूंगफली की आ रही है, जब वो गर्म होता है ना तो क्या होता है ना वो मुझे मतलब अच्छा नहीं लग रहा, मैंने फर्स्ट टाइम अपनी लाइफ में पीनट ऑयल यूज़ करा है तो मुझे उसकी स्मेल अच्छी नहीं लग रही, जो स्निकर वगैरह भी आती है ना पीनट बटर होता है या फिर कुछ पीनट्स खा लेती हूँ, बाकी जो दूसरी पीनट बटर हो गया या स्निकर चॉकलेट वगैरह हो गई ना वो मेरे से नहीं खाई जाती, पीनट मतलब स्मेल अजीब सी लगती है। तो जी बस यहाँ पर मैंने एग को स्क्रैम्बल कर लिया था और मैं यहाँ पर डाइस किए हुए कैरेट्स डाल दूंगी, उसको अच्छे से मिक्स कर दूंगी और साथ ही में मैं इसके अंदर थोड़ी सी कैबेज डाल दूंगी, और जो चिकन का थोड़ा सा वो बच गया था ना वो मतलब आज मेरा हर चीज़ में जा रहा है वो चिकन, उसके पहले रोल बने फिर पॉकेट्स बने फिर उसके स्प्रिंग रोल्स बने, फिर जो थोड़ा सा बचा मैं क्या करती, मैं सोच भी रही थी इसको रख देती हूँ कल परसों में फिर मैं वो बना लूँगी क्या कहते हैं उसको मोमोज बना लूँगी, बट मुझे सोचते ही मैं इतनी थक चुकी थी इस टाइम कि मैंने सोचा नहीं मैं नहीं बना रही हूँ कुछ भी, कल का कल देखूँगी, इसको इसमें डाल के ख़त्म करूँ बेकार में रख के इसका उसको पुराना ना करूँ चिकन को। तो मैंने इसी के अंदर डाल दिया था, एग के अंदर चिकन को डाल दिया था और अच्छे से मैंने टॉस कर लिया था, बाद में मैंने पेपर डाल दिया था, तो ये हमारे चिकन फ्राइड राइस बन रहे हैं जो नॉर्मल होते हैं एकदम से। अच्छा जी तो ब्लैक पेपर के बाद मैं यहाँ पर डालूंगी हल्का सा नमक और फिर उसके बाद इसके अंदर मैं डालूंगी सोया सॉस, ज्यादा सोया सॉस नहीं डालनी है, हल्की सी डालनी है, 1 टीस्पून जो होता है ना वो डालना है आपको और अच्छे से मिक्स कर लेना है, या तो आप पहले डाल लें या फिर चावल डालने के बाद डालें, वैसे मैंने चावल डालने के बाद डाला था क्योंकि फिर जो चावलों में ना राइस में अच्छा सा कलर आ जाता है सोया सॉस का, ज़्यादा नहीं डालना है ऐसा नूडल्स की तरह बिल्कुल ब्राउन नहीं कर लेना है, थोड़ा सा डालना है ताकि हल्का सा उसका कलर चेंज हो और टेस्ट में भी इफेक्ट होता है। तो नमक आप ज़्यादा मत डालिएगा और जो मैंने सोया सॉस है वो मैंने हल्की डाली है ताकि जो नमक है ना सोया सॉस में बहुत होता है तो कभी आपका कड़वाई हो जाए फ्राइड राइस, और यहाँ पर मैंने राइस में भी जो था ना नमक डाल के ही बॉयल करे थे क्योंकि फिर क्या होता है ना कि मसाला अगर सही से मिक्स ना हो तो फिर चावल ना फीके फीके से लगने लगते हैं, तो मैं पहले तो मैं नॉर्मल से ही बनाती थी बट फिर मैंने राइस के अंदर नमक डालना शुरू कर दिया ताकि वो फीके ना लगे। तो जी खैर बस यहाँ पर हमारा जो चिकन था वो बन के सॉरी फ्राइड राइस जो थे, पता नहीं क्या क्या बोल रही हूँ मैं, अभी भी हल्का सा मतलब वो रहता है ना दिमाग इधर उधर रहता है। तो यहाँ पर हमारे चिकन फ्राइड राइस बन के रेडी हो चुके हैं और जी अब मैं आपको इसको दिखाती हूँ फाइनल प्लेटिंग। तो जी बस इसके अंदर मैंने स्प्रिंग अनियन डाल के फ्राइड राइस में इसको सर्व कर दिया था और जी बस यहीं तक की थी मेरी वीडियो, उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी, अगर पसंद आई है ज़रूर से लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा, इंशाल्लाह फिर मिलेंगे, तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।